दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में हम यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, जबकि सेकंड राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद कितने लोगों को एडमिशन हुआ है, कितनी सीटें खाली है और क्या लिस्ट निकली है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही लेटेस्ट और आपके काम की खबर है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड राउंड के बाद जो जितने एडमिशन हुए हैं उसमें बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट आई है। इसमें देखिए कितने एडमिशन हुए थे 8 तारीख को। तो EWS कैटेगरी के अंदर एक है, OBC के अंदर 5 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, OBC PWD का एक सीट वो भी भर चुका है, SC कैटेगरी के अंदर एक एडमिशन हुआ है और ST कैटेगरी के अंदर एक एडमिशन हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सीटें जो खाली है यहाँ पर टोटल 75 में से 41 सीटें भर चुकी है, 34 सीटें अभी भी खाली है। तो जिसमें SC की 9 सीट है, ST की 4 है, OBC की 12 है और EWS का 5 है। EWS की PWD कैटेगरी 1 है, अनरजिस्टर PWD को मिलाकर 3 सीट खाली है। एडमिशन कैंसिल सेकंड फेज में 2 लोगों का किया गया है, तो टोटल यहां पर 34 सीट खाली है और इसके लिए अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका जैसे थर्ड लिस्ट आएगी तो वही जो मेरा पिछला वीडियो था कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो भाई जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 34 सीटें खाली है, तो इसमें थर्ड लिस्ट यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि इतनी सीटें खाली रहने के बाद तीसरी लिस्ट आना तय हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो BCOM LLB है लॉ वालों के लिए पिछले दिनों 2 अगस्त को ही सेकंड लिस्ट जारी हुई थी। अब ये काउंसलिंग के लिए अलग से लिस्ट जारी की गई है सेकंड राउंड की, इसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो होगा 14 अगस्त को होगा BCOM LLB का। ठीक है, वेन्यू और टाइमिंग वही रहेगा, बाकी सब कुछ वही है। तो इसमें ऑफलाइन मोड पर हो रहा है ओनली फॉर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो UR कैटेगरी है उसके लिए ये होगा। और 16 तारीख तक सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 16 तारीख तक आपको जमा करना होगा। इसकी फीस 7,100 रखी गई, जो कि ऑनलाइन पे करना होता है। उसके बाद इसी का हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, कितनी सीटें खाली है और क्या लिस्ट आई है BCOM LLB के लिए। तो 7 सीटें खाली है, जिसमें एक फिजिकली हैंडीकैप्टेड, और टोटल 8 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो उसमें अनरिजर्व PH के लिए एक सीट के लिए एक नाम जारी किया गया है, बाकी जो 7 सीटें हैं उसके लिए 11 नाम यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले को ही जाना है, बाकी यहाँ पे नहीं जा पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BA LLB का भी सेम है, यहाँ पर आया है, इसकी सीटें हम लोग देख लेते हैं कितनी सीटें खाली है। यहाँ पर टोटल 33 सीटें खाली है BA LLB की, जिसमें एक PH की सीट है। एक PH के सीट के लिए यहाँ पर तकरीबन काफ़ी सारे नाम जारी किए गए हैं, टोटल 33 सीटें खाली है। तो 33 सीटों के लिए टोटल यहाँ पर 251 नाम जारी किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इतने लोग आते नहीं है तो सभी लोग जा सकते हैं, वहाँ पे अलग से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसका कट ऑफ मैं दिखा देता हूँ, 150 से लेके 112 तक इसका कट ऑफ है। तो BA LLB की काफ़ी सीटें खाली है, जिसमें एडमिशन होना है 14 अगस्त को, इसका भी रखा गया है। और अगर BCOM LLB की कट ऑफ की बात करें तो 109 है। बाकी के अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्या है जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइक बटन जरूर दबा के रखिए, ताकि बाकी एडमिशन से रिलेटेड और बाकी GGU के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।